बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है मैं तुम्हारा। 497 धारा जो है खत्म हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई को समझा रहा हूँ मैं। ये आज की पंचायत का वो है टॉपिक, तो इस पर डिस्कशन चल रहा है, बड़ी गहन डिस्कस हो रहा है मेरा और भाई जितेंद्र भाई का और ये मदन भाई का, और अंदर हमारा चाणक्य भाई बैठा है, वो दिखा दूँ भाई वो रहा। अब मैं आया हूँ भरत भाई की दुकान में और टमाटो केचप ढूंढने मिल गया। ठीक है ना, जुलाई 23 तक चलेगा। चल ठीक है, थैंक यू यार। अब मैं आया हूँ सब्जी की दुकान पे, थोड़ा धनिया पुदीना लेने, थोड़ी मिर्ची डाल दिए यार हैं, ठीक है, और एक नींबू। 25 रुपये डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मतलब क्या बोलूँ, दिल्ली वालों को तो पता ही होगा कि 3-4 दिन से लगातार बारिश ही आई जा रही है, और संजय जी अभी बाहर से सामान लेकर आए हैं, और आज हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि बारिश का थोड़ा सा मौसम हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा है, आज हम बनाने मतलब चीले। कंटिन्यू 3 दिन हो गए हैं बारिश हुए दिल्ली में, और जो दिल्ली से बाहर है मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि दिल्ली वालों को तो मतलब पता ही है ना बारिश हो रही है। हाल ये है कि बारिश से ना कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, ये देखो 4 दिन पुराने जो सूख रहे ही नहीं है। संजय जी जा रहे हैं क्या देखने के लिए पता नहीं, बट छत में देखो कैसे पानी भरा हुआ है, बारिश की वजह से बड़ा अजीब सा ही हो रखा है। लेनेक्स आजा जल्दी जल्दी, बारिश हो रही है, जल्दी आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी, बारिश हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है बारिश से ना। मैं तो नहाकर बिल्कुल रेडी हूँ, और संजय जी जाने वाले हैं नहाने के लिए, फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। कर रहे हो? अरे ये खामा खा कर बताऊंगा मैं उसके। क्या है ये? कीकर। कीकर कहाँ से आ गया? तो नीचे जड़ से काटो ना उसको, बारिश हो रही है, मैं तो जा रही हूँ उधर। तो संजय जी उधर एक कीकर का पौधा आ गया है, मतलब उग गया है, बड़ा हो गया है, तो वो उसको काट रहे हैं, तो मैं चलती हूँ नीचे, और संजय जी नहाने जा रहे हैं, और देखो वो भी चला गया नीचे नीचे। ये देखो कितना बड़ा था लेनू। तो गाइस मैंने ना ये कुछ स्प्राउट बना रखे थे, और ये कल ही रेडी हुए हैं, और इस मैं बना रही हूँ स्प्राउट वाले चीले। ये मैंने मिक्सी में ना थोड़ा सा दरदरा कर दिया स्प्राउट को, मैंने इसमें चॉप करी हुई प्याज और इसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च भी डाली है मैंने। संजय जी है नहीं और मैं अकेले ही कैमरा पकड़कर इसको रेडी कर रही हूँ। ये चॉप करा हुआ डाल दिया मैंने टमाटर। ये देखिए मेरा एक चीला तो रेडी है, दूसरा ये मैं रेडी कर रही हूँ, और इसके साथ बनाई है मैंने ग्रीन चटनी। अंदर सब कुछ मैंने मिलाया था, मैंने दिखा दिया था आपको। तो ये चीले रेडी है देखो, और आज के जो ये चीले हैं वो हेल्दी भी है, तो मैं संजय जी को दे देती हूँ। अच्छे भी है या अभी मतलब मुंह मटका के दिखा रहे हो? आपके में जो खाना बनाते हैं ना उसका जवाब नहीं। ये जो चीले मैंने बनाए हैं हेल्दी हो जाए, तो इसलिए मैंने चीले बनाए हैं, तो आप लोग भी ट्राई करा करो, मतलब ट्राई कर सकते हो घर में, क्योंकि स्प्राउट को दाल को भिगोकर रख दो 24 घंटे के लिए, फिर उसके बाद स्प्राउट बनाने के लिए कॉटन के कपड़े में उसको 24 घंटे के लिए फिर रख दो, और फिर उसके बाद स्प्राउट तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे चीले बनाओ, बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्राई करो एक बार। तो अब मैं सबको खिला देती हूँ। लेनेक्स को ना पता लग गया कि पर कहीं जा रहा है, और ये से रोक रहा है जाने के लिए। देखो देखो काट काट जाने।
कैसे रोक रहा है? साथियों ये कस खा के गिरा हुआ है, क्या हुआ भी तेरे को? क्या हुआ? और ये मैडम चाय बनाती है, बाहर बारिश हो रही है, अब हल्के हल्की ठंड का एहसास होने लगे भैया। तुमने बनाई है मेरे लिए चाय, खड़ो ये देखो चाय बना रहे हैं मेरे लिए। तुमने बनाई है ना मेरे लिए चाय, शक्ल दिखाना जरा, तुमने बनाई है ना, शक्ल दिखाओ एक बार, तुमने बनाई है तुम है ना कि चाय तुम बना रहे हो, मतलब फ्री फोकट की फुटेज चाहिए तुम्हें भी है ना। कोई इन्होंने चाय नहीं बनाई, मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो चाय के पास में खड़े हो गए, अब क्यों आगे बैठ गए? चाय डाल के लेकर आओ, चाय डाल कर लेकर आओ। हरीश ने तो बिल्कुल ही वो परेशान कर दिया है, ये कहीं भी पड़ जाता है। मोप हमने पास में ही रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो उसको पोछा मारते रहो, क्योंकि बारिश के टाइम में ना इतनी सीलन हो जाती है पूरे घर में, और मतलब सफाई करते करते परेशान हो गए, बस अब तो धूप निकाल दे। बस अब हम लोग पीते हैं चाय, सबको मैं उठाती हूँ क्योंकि पर्व बाहर है और नानू सो रही है और मन्नत भी सो रहा है, और सबको ऐसा लगता होगा कि मेरे बच्चे कभी वीडियो में आते नहीं है। मेरे बच्चे जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो दाएं बाएं हो जाते हैं, उनको वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कोई भी ये ना बोले कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो ये देखो चाय बन गई है और संजय जी चाय डाल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना कभी कभी चाय आपको डली हुई मिले। संजय जी लेकर आ रहे हैं चाय, आइए आइए, चाय बन गई है और आजा चाय पीएंगे। थैंक यू, ये मेरा कप है और ये संजय जी का है, वो नानू का कप है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। घर की चाय की तो बात ही अलग है। आप लोगों को ना संजय जी की एक खासियत बताती हूँ, संजय जी के अंदर क्या खासियत है। अगर संजय जी खाना खा के सोए हैं और वो 10 मिनट की नैप भी ले लेना तो भी उन्हें 10 मिनट बाद में पेट में भूख लग जाती है और वो फिर 10 मिनट बाद में उठ के खाना खाते हैं। नहीं खाना मीन्स मतलब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाना नहीं कुछ भी, पाचन क्रिया है ना इनकी बहुत अच्छी है। भगवान ऐसी पाचन क्रिया सबको दे। कुछ बोल रहे नहीं है, कमेंट मिलेंगे मुझे सुनने को। ये तुम मेरी तारीफ कर रही है बुराई कर रही है? तारीफ भी कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए ये चीज अच्छी है कि तुम थोड़ा 10 मिनट की अगर नैप भी ले रहे हो ना तो तुम्हें भूख लग रही है। ब्रेक के बाद में क्या बना रहा है तू? इसकी आलू छिलने की स्टाइल देखो, लेनेक्स इसको सपोर्ट कर रहा है, बना लेगा अकेला है? हाँ। कभी बनाए हैं? हाँ। इधर शक्ल दिखाइए जरा। आती है मेरे को। और मैं अभी वीडियो ऑन करूंगी ठीक है, तो अभी देखते हैं पर्व कैसे फ्रेंच फ्राइज बनाता है और कैसे खिलाता है और मेरी किचन में कितना फैलाता है। ये आप चिंता दो। क्यों? मैं कुछ मुझे मुझे पता था मैं नहीं तो नहीं तो मुझे पता था धीरे धीरे करके ये मेरे पास में ही आना है। कौन सा? हाँ ये करती हूँ, मगर इसको पकाना पड़ेगा अच्छी तरह। हाँ जी रचना जी आप क्यों कर रही हैं ये सब? मेरे को पकड़ा के चला गया। अच्छा। मम्मी ये छील दो जरा एक बार। ये बना क्या रहा है? ये फ्रेंच फ्राइज बना रहा है। कह रहा मम्मी आज ना मैं आपको ना बहुत अच्छी चीज बना के खिलाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं मतलब मेरा हाथ ना लगे। ये देखो फोन गीला कर लिया, सुखाने लग रहा है। पर किचन में काम कर रहा है ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। कहना है कि मुझे नहीं खिलाएगा बिल्कुल भी। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? तो मुझे नहीं खिलाएगा। देखा माँ सबको खिलाती है मगर बेटा नहीं खिला सकता माँ को। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, तो अब इसको ना थोड़ा सा हम गरम करेंगे, फिंगर वो बनाने वाला है। तो पर आप ऐसी खूबियां कहाँ से लेकर आते हो बनाने की है? तेरे एक शॉप खुलवा दूं? हेलो, बोलता नहीं है बस, ये कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता।
तुमने बनाए हैं बट अच्छे बनाए हैं, तो तू अब ले आ खाने के लिए, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये परू के बन गए फ्रेंच फ्राइज, और ये ग्रीन सॉस, और ये देख रहा है कि इसको भी कुछ खाने को मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसने अभी अंडे खाए हैं। करके बताती हूँ कैसे बने हैं। अच्छा खा ले, खा ले।